हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ कावासाकी के हाइड्रोजन पावर्ड बाइक के बारे में, जो कि फिलहाल हमें जापान मार्केट के अंदर जो है देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड, ये हमें इंडिया के अंदर 2025 तक जो है देखने को मिल सकती है। एंड फ्रेंड, अगर मैं इसके स्टाइलिंग, मॉडल एंड डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ, जो कावासाकी की हमें हाइड्रोजन बाइक देखने को मिलती है, जो कि हमें जो कावासाकी का हमें एक ग्रुप प्रेजेंटेशन देखने को मिला था फ्रेंड, उसी के अंदर से जो है हमें रिवील होती है, जो हमें देखने को मिली है, जिसके अंदर हमें जो कावासाकी के हमें OEM यानी कि जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमें OEMs का ही जो है देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें यानी कि हमें ब्लू एसेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड, साथ ही में हमें HYSC का लोगो यानी कि ये हमें हाइड्रोजन पावर का जो सिंबल है वो देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड, इसके अंदर में तो ओवरऑल स्टाइलिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें कावासाकी की निंजा H2SX जैसी जो है देखने को मिलेगी। ओनली पावर ट्रेन का ही जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। फिलहाल इस बाइक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड, ऑफिशियली ये हमें 2024 तक जो है देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड, इस तरह से अगर आपको हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।